सो ऑल राइट हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कोरोना वाइज में एडिटिंग करना ज़्यादा बेटर है कि आप कंसंट्रेशन में एडिट कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा कोरोना वायरस की बात नहीं करते हैं। लॉकडाउन खुलने वाला है और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पहले से भरी हुई है, सो एडिट की बात करते हैं डायरेक्ट। तो इस बार यार ये ट्यूटोरियल, अभी तो मैंने अपना गेम ऑफ थ्रोन्स वाला कंसेप्ट डाला था, जैसे मैं डेथ रिपर भी बोलता हूँ, और लेकिन मैं उस कंसेप्ट के अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो मैं कल डालूँगा। आज ये रिक्वेस्टेड था बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल की, हर बंदे को चाहिए था यार। फैज़ू और अजमल खान, रियाज जैसे ये एडिट करते हैं, तो फ़ोटोज़ इनकी कैसे क्लीन आती है। तो यार मैंने भी अपनी फ़ोटो एडिट कर रखी है और ऐसा ही प्यारा सा ग्लो दे रखा है अपनी फ़ोटो में, तो मैं इसका अगर आपको आफ्टर या बिफ़ोर भी दिखाऊंगा तो यार बहुत ही गंदा है। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा है मेरा फ़ोटो का बिफ़ोर। तो ज़्यादा देर तक मैं फ़ोटो को देखना नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट जंप करना चाहता हूँ कि मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊं कि यार आप 0 टू लेके बेसिक कैसे अबव तक जाओगे। तो उस चीज़ का ट्यूटोरियल है पूरा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो बाल थे उसे मैं पानी से खड़े कर रहा था, लेकिन वो इतने खड़े नहीं हो रहे थे और मैं जेल भी नहीं लगाना चाह रहा था। सो जस्ट मैंने कहा कि ये फ़ोटोशॉप में देख लूँगा मैं बाद में, और इजीली हर चीज़ मैनेज कर लूँगा। तो यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले होता है क्लीन अप प्रोसेस। क्लीन अप प्रोसेस में क्या होता है कि मैं अपने फेस के जितने भी पिंपल्स होते हैं और ये मार्क्स होते हैं, ये सब हटाता हूँ मैं, और कोई चीज़ नहीं हटाता इतना। अब ये कैसे हटाया जाएगा आपको भी मैं पूरा समझा देता हूँ अच्छे से, कि आप मिसगाइड ना हो कहीं पे और कहीं रह ना जाए आप पीछे। तो ये होता है टूल, चाहे आप स्टैम्प यूज़ करें चाहे ये वाला यूज़ करें, ये बेटर होता है कि आप इजीली जल्दी जल्दी कर देंगे। देखिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ जैसे मुझे ये हटाना है तो मैंने इसे मार्क करा, और ये शायद वर्क नहीं करता है जब आप एक्सटर्नल लेयर पे करते हैं आई थिंक। तो इसके लिए आप ये नीचे वाला यूज़ करें, हाँ ये बेटर रहेगा। और यहाँ पे करंट एंड ग्लो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और करंट एंड ग्लो के ले आता हूँ इसे मैं नीचे। तो अब मैं करूँगा यहाँ से एक सैम्पल ऑल्ट दबा के और फिर यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं धीरे धीरे सारे अपने स्कार्स और ये पिंपल्स हटा रहा हूँ, और जहाँ भी आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरे ओवर हैं पिंपल्स तो ये हटा दो, ये हटा दो, हेयर्स हटा सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो इन्हें रिमूव करना होता है, ठीक है। मेनली बेसिक ये फंडा होता है, जब आप इसे बहुत देर तक, मतलब अराउंड 15-20 मिनट लगाएंगे तो आपका ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा इजीली, जिसमें मैंने सारे पिंपल्स विम्पल्स सब हटा दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है लोकल डॉज एंड बर्न की, बहुत ही बंदे यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, कई मिक्सर ब्रश यूज़ करते हैं। तो यार मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा, लेकिन अभी बताना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। मैं तीनों को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें, मैं तीनों को अलग से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ मैंने करी है लोकल डॉज एंड बर्निंग। अब लोकल डॉज एंड बर्निंग में आप देख सकते हैं मैंने क्या चीज़ें एनहेंस और रिमूव करी हैं। यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो आई की मैंने शेडो सही से फैदर आउट करी है, और यहाँ शेडो सही से फैदर आउट करी है, ठीक है। और यहाँ फेस पे जो शेडो है ये फैदर आउट करी है। अब मेन क्या तरीका है लोकल डॉज एंड बर्न में, ऐसा क्या है जो ये फैदर आउट कर रही है। यहाँ पे सिंपल कर्व्स यूज़ कर रखे हैं मैंने, देख सकते हैं आप, एक कर्व लिया मैंने सिंपल, ठीक है, उसे थोड़ा सा एनहेंस करा 1 पॉइंट ऊपर, ये बॉक्स के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट ऊपर इसमें करना है आपने और इसमें नीचे करना है। जो नीचे करोगे आप वो आपका बर्न हो जाएगा और ऊपर वाला आपका डॉज हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जस्ट सिंपल, जैसे अगर मैं आपको जनरली एक्सप्लेन करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, अगर मैं अप कर देता हूँ, ठीक है, जैसे मुझे ब्लैकनेस हटानी है, अब मैं यहाँ कमांड आई से इन्वर्ट कर देता हूँ किसी चीज़ को। अब मैं यहाँ से लूँगा एक सॉफ्ट ब्रश वाइट कलर का, क्योंकि यहाँ मास्क ब्लैक है, ठीक है। अब मैं जब इसे धीरे धीरे पेंट करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं वो चीज़ जगह गोरी होती जाएगी, ठीक है। ऐसे आप पूरे चेहरे पे भी कर सकते हैं, लेकिन
बेटर रहेगा कि आप स्लो स्लो ज़्यादा जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखें, धीरे धीरे अगर मैं कुछ चीज़ रिमूव करूँगा तो यहाँ से ब्लैकनेस हटती जाएगी, और जहाँ जहाँ मुझे नहीं चाहिए होगी मैं वहाँ वहाँ की ब्लैकनेस हटा सकता हूँ। ये देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ करूँगा पेंट तो यहाँ ब्लैक और वाइट होता जाएगा। तो आप एक वो समझिए कि जस्ट कि मुझे अब ब्लैक और वाइट को बैलेंस करना है, जस्ट यही चीज़ें होती हैं इन दोनों लेयर मास्क में। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये लेयर मास्क, ये देखिए कैसे मैंने बहुत धीरे धीरे डॉजन बर्न कर रखा है, यहाँ डॉज कर रखा है मैंने, ठीक है, और ये बर्न कर रखा है, देखिए कितना धीरे 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 मैंने करा हुआ है सारी चीज़ों को। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डॉजन बर्न करना क्या है। बहुत धीरे से जूम करें फ़ोटोज़ को, और एक लो फ्लो वाला ब्रश लें, और धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमिनेट करनी हो, जैसे ये शेडो एलिमिनेट करनी हो तो आप यहाँ पेंट करें धीरे से ब्रश से, और वहाँ वहाँ जैसे ये है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे करने पे ब्लैक पेंट हो रहा है, और ऐसे पेंट करने पे वाइट पेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही है एक फंडा डायरेक्ट कि आप करें और आपका फेस ग्लो होता जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना ग्लो चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही है बस लोकल डॉजन बर्न में। अब ग्लोबल डॉजन बर्न की तरफ बढ़ता हूँ मैं। तो ग्लोबल डॉजन बर्न भी बस फेस को कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि लोकल डॉजन बर्न में मैं शेडो पे वर्क करता हूँ, मतलब डीप में। अब मैं ओवर पे वर्क करूँगा, मतलब ओवर व्यू टाइप में फेस को थोड़ा जूम आउट कर लूँगा, और फिर देखूँगा कि कहाँ मुझे ब्लैकनेस दिख रही है। तो मुझे यहाँ ब्लैकनेस दिख रही थी, यहाँ यहाँ और मेरे फोरहेड पे यहाँ पे। तो जस्ट मैंने वही सेम मेथड लगाया है, ठीक है। ग्लोबल ये दोनों लेयर सेम रहेगी, हाईलाइट का एक थोड़ा अलग बनेगा, हाईलाइट मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। तो ये सिंपल वही सेम ग्लोबल डॉजन बर्न, आप इन्हें एक लेयर में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि अलग अलग लेयर में हो, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं सिंगल में तो आप सिंगल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा आपको दिमाग से एक्टिव रहना पड़ेगा उस चीज़ में। अब मैं हाइलाइट्स की तरफ बढ़ता हूँ। तो हाइलाइट्स क्या होती है, मतलब फेस पे जो ग्लो आता है ना, जैसे बंदों के होता है जब आप अपनी फ़ोटो एडिट करते हैं और आपको लगता है कि इसमें ग्लो नहीं है, तो ये वही ग्लो है, ठीक है। यहाँ हाइलाइट्स ना थोड़ा आगे होता है, यहाँ तक होता है, इसको इंक्रीज करेंगे आप कर्व्स को, और फिर जहाँ आपको फेस पे हाईलाइट डालना होगा ना वहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल ब्रश यूज़ कर रखा है मैंने, कोई बहुत एडवांस टेक्निक नहीं है, जस्ट कर्व यूज़ कर रखा है मैंने, सीधा आपको दिखा रहा हूँ, और कोई मेथड नहीं है अलग सा, ठीक है। तो यहाँ मेरी ये फ़ोटो हो चुकी है ग्लोबल डॉजन बर्न, और फिर मैंने यहाँ स्टैम्प कर दी थी। अब स्टैम्प करने के बाद मैंने थोड़ा बालों को इधर की साइड लिक्विफाई कर दिया था। लिक्विफाई कैसे करते हैं, शिफ्ट कमांड एक्स दबा के आप लिक्विफाई के मेन्यू में चले जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ से ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करा था, क्योंकि जेल से उतने खड़े करने में तो यार जेल ही ज़्यादा लग जाता और बाल और ख़राब हो जाते। इससे बेटर है कि थोड़ा खुद ही से कर लें लिक्विफाई, वो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, अभी भी फ़ोटो बिल्कुल वो लुक पे अचीव नहीं हुआ है जो मुझे चाहिए था। तब उसके बाद मैंने फिर इंट्रोड्यूस करा कलर्स हेयर में। अब ये कलर्स मैंने कैसे लाया बाल में और इतना इजीली कैसे हो गया, तो यार ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट टेक्निक है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने यहाँ ब्रश में जाना है और यहाँ से करना है कलर चेंज, कलर में बस ब्लेंडिंग मोड। फिर आपको जो भी कलर पसंद है, जैसे आपको रेड कलर पसंद है, ठीक है, तो आपको जस्ट पेंट कर देना है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको चाहिए हो, और ज़्यादा ओवरडू भी ना करें कि बिल्कुल भर दिया आपने शरीर लाल कलर से तो वो गंदा दिखेगा, ठीक है। अब मैं अगर जूम आउट करूँ तो यार देखो कितना अच्छा पॉपी कलर आ गया है। अब मेरे को चाहिए कि ये थोड़ा अच्छे से ब्लेंडिंग लगे, अभी फेक लग रहा है। यहाँ डबल क्लिक करना है, अंडरलाइंग लेयर में से ऑल्ट दबा के स्प्लिट करते जाना है,
जब तक आपको एक सेटिस्फाई रिजल्ट ना मिल जाए, मेरे को यहाँ पे ये सही लग रहा है और ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है। तो यही है एक सिंपल टेक्निक जिससे आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और जब आप एक कलर बना लें तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा एक ग्रेडियंट मैप डाल रखा है मैंने, जिससे मैं नए नए कलर हेयर्स के टेस्ट कर रहा था कि कोई अच्छा लगे, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा था इतना। और फिर एक ये होता है कि आप ह्यू सेचुरेशन उसके ऊपर क्लिप कर दें। ह्यू सेचुरेशन से आप कोई भी कलर कभी भी बदल सकते हैं, तो 110% आप कभी भी कोई सी कलर अचीव कर सकते हैं कैसे भी। तो ये बहुत ही एक हैंडी था कि ये बस समझाने के लिए मैंने दोनों रखे थे यहाँ पे, कि आपको जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने कर्व्स डाले थे, कर्व डाले और उससे मैंने यहाँ की फ़ोटो के नीचे की ब्लैकनेस हटाई है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बस कर्व को ऊपर करा और जस्ट मैंने मास्क कर रखा है, जिससे मैंने यहाँ की हटा रखी है। और फिर फेस के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ग्लो कर दिया यहाँ से डाल के। और फिर इसके बाद मैंने आइज़ पे वर्क करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे भी कर्व है, ऊपर कर दिया लिफ्टअप, डार्क करूँगा डार्क हो जाएंगे, ग्लो 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 ग्लो, जो भी आपको पसंद आए, जैसी भी आपको पसंद आए आप वैसे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और फिर जस्ट इन्वर्ट करके मास्क से पेंट कर दें आप। तो ये बहुत सिंपल स्टेप हैं, कोई यार इसमें मेरे को लगता नहीं है कि आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी इतनी। आप इतने वाइज हो यार कि आप कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ग्लो और चाहिए था फेस पे, जो रियाज और फैजू की फ़ोटो में होता है अक्सर कि उनके चेहरे ज़्यादा ग्लो करते हैं, तो वो क्या ट्रिक है? वो ये ट्रिक है सिंपल सी। अब ये ट्रिक आपको दिखेगी ही नहीं, इसमें मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा था। जैसे आप हेयर्स पे नोटिस करना, एकदम से ग्लो आ गया, नोज़ आइज़ पे भी ग्लो आ गया। तो ये कैसे आया था? ये यार बहुत सिंपल टेक्निक है। यहाँ से एक न्यू लेयर बनाओ आप, उसे ओवरले ब्लेंडिंग मोड में ले जाओ, और फिर ब्रश में ना आप वाइट ब्रश सेलेक्ट कर लो बिल्कुल, और फिर ना उसकी ओपेसिटी या फ्लो को बिल्कुल ले आओ 5 या 4% पे। और धीरे धीरे जब आप ऐसे पेंट करोगे ना तो एक ग्लो प्रोड्यूस करता जाएगा, जो बहुत ही सिंपल होगा लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होगा वो ग्लो। अब देख सकते हैं आप कितना फ़र्क आ गया है एकदम से ही, थोड़ी सी देर में कितना फ़र्क आ गया है एडिट में। तो यही बस एक मेथड था, मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा नहीं करा है, मैंने सिंपल सिंपल करा है, मैंने हेयर्स में कर रखा है, यहाँ यहाँ कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ मेरी ये पोर्ट्रेट तो अपनी अच्छे से कंप्लीट हो गई है और मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ ये सही थी। अब उसके बाद मैंने यहाँ कर रखी है कलर ग्रेड और थोड़ा सा लिक्विफाई लिक्विफाई डाल रखा है। यहाँ शर्ट थोड़ी मुड़ी मुड़ी सी लग रही थी। उसके बाद जब मैंने यहाँ कलर ग्रेड कर रखा है, तो ये कलर ग्रेड भी मेरे पे पड़ी हुई है शायद कैलेंस नाम से मैंने सेव करा था इसे। हाँ पोर्ट्रेट ये रही है मेरे पे, देख लेता हूँ एक बार इसी पे वर्क कर रही है कि नहीं। नहीं ये क्लाउड्स वाली यूज़ कर रही है मैंने यहाँ पे। ये प्रीसेट भी मैं डाल दूँगा ग्रुप में, आप वहाँ से निकाल लेना, या पढ़ाई होगा मैं मार्क कर दूँगा आज, तो वहाँ से आप निकाल लेना ये प्रीसेट। तो सेम ही है, बस थोड़ा आगे पीछे स्लाइडर्स के साथ प्ले करा है, मेन बेसिक वही कलर लुक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा पॉप आ गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा हैंड पे टैटू डाला है, मतलब उस टैटू को डालो यहाँ पे। तो मैंने ब्लर ब्लर यूज़ कर रखा है क्योंकि मेरी फ़ोटो यहाँ ब्लर हो रखी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ ब्लर डाल दूँ। और वो सिंपल टैटू है और इसका ब्लेंडिंग मोड मैंने कलर पे कर रखा है। अंदर से मैंने सेम वही कर रखा है, ये मैंने बाहर से नहीं करा, अंदर से कर रखा है ओवरले में जाके। तो दो तीन तरीके होते हैं, आप कैसे भी टैटू को अप्लाई कर सकते हैं। टैटू में जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, डार्कन कर दें, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भी कर सकते हैं टैटू को, ठीक है। तो यहाँ टैटू में इस हाथ पे बजाय इस हाथ पे डालना ज़्यादा बेटर लग रहा था, लेकिन जितनी चीज़ आप छुपाओगे एडिट में कि ये ना दिखे तो लोग उतना ही गौर करते हैं, तो वही यहाँ चीज़ हुई थी, लोगों ने टैटू पे ज़्यादा गौर करा था और सही था यहाँ पे। और फिर मैंने सेम टेक्निक से यहाँ
फेस पे एक क्रॉस का भी टैटू डाल रखा है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ शर्ट पे लिखा था मनी मोटिवेटेड, और सेम वही तरीका है, टैटू है ये सारे, PNG हैं, डार्केन करेंगे आप सेम आ जाएगा आपको भी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक स्टैम्प लेयर बना दी यहाँ पे, और थोड़े से मैंने यहाँ से एक्सेस एयर रिमूव्स करे थे जो ये थोड़े 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 फ्रिकल स्पार्कल टाइप से थे, तो ये रिमूव होते हैं आपके स्टैम्प लेयर से। ऑल्ट दबाएंगे और ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इतना भी एक्सेस नहीं करना है आपने, सॉफ्ट कर लेना ब्रश को ऑल्ट दबा के, और फिर धीरे धीरे आप देख सकते हैं क्लीन हो गया। तो ऐसे ये पोर्ट्रेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप चाहते हैं कि और ट्यूटोरियल्स हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, डेली ही आ रहे हैं इस बार, तो कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो थैंक यू गाइस।